सबसे पहले तो आभार अनंत का इस विषय पर बात करने का मौका देने के लिए और आपसे जुड़ने का मौका देने के लिए। बात करेंगे समकालीन भारत के सामने चुनौतियाँ, लेकिन ये बात शुरू करने के पहले मैं अपने प्रिय, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को श्रद्धांजलि दूंगा। इरफान हमारी बहुत बड़ी हिम्मत थे, ताकत थे। कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला व्यक्तिगत रूप से, लेकिन बतौर अभिनेता के जीवन भर याद रहेंगे मुझे। दोस्तों, जब हम समकालीन भारत के सामने चुनौतियाँ इस विषय पर बात करें, तो जाहिर है कि समकालीन भारत या समकालीन दुनिया, यानी कोरोना के बाद की दुनिया, आफ्टर कोरोना, इसका संबंध पीछे से भी है, लेकिन कोरोना के बाद की दुनिया एग्जैक्टली वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। और ये हम लोग थोड़ा पीछे जाएं, 1999 में सोशल साइंटिस्ट इमैनुएल वैलरस्टाइन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और उस पुस्तक के पहले ही पन्ने पर वैलरस्टाइन ने लिखा था कि वर्तमान विश्व व्यवस्था, वर्तमान वर्ल्ड सिस्टम 50 साल से अधिक चल नहीं पाएगा। इसके बाद का सिस्टम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हम कह नहीं सकते। बदतर भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व, ये वालस्टाइन ने 99 में लिखा था। आज हम इस बात को अपने सामने सच होता देख रहे हैं। कोरोना ने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि केवल हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में जिसे न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, जिसे लिबरल डेमोक्रेसी का या पूंजीवाद का, कुछ लोगों के अनुसार तो विश्व के इतिहास का स्वाभाविक विकास माना जाता है, 1992 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, उसकी वास्तविकता को इस महामारी ने उजागर कर दिया है। ये याद रखें हम कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट उतनी भयानक नहीं है जितनी मिसाल के तौर पर इबोला की है, लेकिन इबोला चर्चा का विषय नहीं बना, इबोला आतंक का विषय नहीं बना, क्योंकि इबोला की जकड़ में अफ्रीका था। फर्स्ट वर्ल्ड या दुनिया का नॉर्थ, उत्तर जिसे कहते हैं, वो नहीं था। इसकी मॉर्टेलिटी रेट उतनी अधिक नहीं है, इसका स्प्रेड भयानक है। और स्प्रेड इतनी तेजी से होता है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में, बड़े समर्थ देशों में केवल मेडिकल सिस्टम की सीमाएं नहीं उजागर हुई हैं बल्कि प्राथमिकताओं की विकृतियां उजागर हुई। मैं रिपीट करूंगा, प्राथमिकता की विकृतियां, परवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज। अपने देश की बात करें, डॉक्टरों के पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है लोगों के पास, टेस्ट किट अब बन रही हैं या आ रही हैं, टेस्ट कराने के लिए सैकड़ों बल्कि हजारों रुपए आपको खर्च करने हैं, सरकारी कर्मचारियों के डीए वगैरह स्थगित हो गए। लेकिन 20,000 करोड़ का ग्रांड विस्टा प्रोजेक्ट नहीं स्थगित हुआ है। वो प्रधानमंत्री जी की जो फैंटेसी है, वो जो माया महल बनना है, वो तो बन के रहेगा, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। उसका पैसा इधर उधर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है कि कितने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन सकते हैं, कितनी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं बीमारी के लिहाज से, जांच पड़ताल से लेकर इलाज तक। 20,000 करोड़ रुपए, कोई छोटी मोटी रकम नहीं। तो परवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज सबसे बड़ी चुनौती समकालीन भारत के सामने है। और ये परवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज केवल सरकार तक सीमित नहीं,
सरकार तक सीमित हो तब भी चिंता की बात है, लेकिन भयानक रूप से चिंता की बात यह है कि जो लोग पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करते हैं, जो समाज में एक वातावरण बनाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज में भी उसी तरह का सोचा समझा फैसला, सोचा समझा डेलिब्रेशन नहीं है जैसा सरकार की प्रायोरिटीज। मैंने तो टेलीविजन देखना लगभग छोड़ रखा है, मैं देखता नहीं हूँ टेलीविजन, तथा कथित अच्छे चैनल्स भी मैं नहीं देखता, कभी कभार देख लिया तो देख लिया, मैं नहीं देखता। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने प्राइम टाइम हैं जो इस पर हो रहे हैं कि हिंदुस्तान के लाखों नागरिक हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, राजस्थान से, इधर से उधर से अपने घर गांव वापस जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। दिल्ली से, दिल्ली में 50,000 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और झगड़ा इस पर होता रहा कि लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार की थी, कि दिल्ली सरकार की थी, कि केंद्र सरकार की थी। लेकिन वो 50,000 लोग इंसान थे, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के हिस्से थे या नहीं थे, शायद नहीं थे। होते तो हमारे टेलीविजन एंकर इन चीजों पर चर्चा कर रहे होते। हमारे यहाँ इनफॉर्मल लेबर इतना व्यापक है, अनौपचारिक श्रम संगठन, श्रम शक्ति इतनी अधिक है कि ठीक ठीक आंकड़े तक जुटाना मुश्किल। लेकिन वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के आंकड़ों से लोगों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः 12 करोड़ लोगों के रोजगार बने। अनुमान लगाया गया है कि 40 करोड़ लोग फिर से गरीबी के गर्त में गिर जाएंगे। आपके मुल्क की लगभग आधी आबादी अस्तित्व का संकट झेल रही है और आपके लिए आज भी बहस का मुद्दा हिंदू बनाम मुसलमान, ये मीडिया है, ये पत्रकारिता है, ये पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करने वाले भी। सोचिए हम किस कदर की विकृति हमारे चित्त में है। मुझे लगता है कि समकालीन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजनीतिक विचार विमर्श को, टीका टिप्पणी को पटरी पर वापस लाया जाए, और ये तभी संभव है जबकि हम सिस्टम पर बात करने की आदत फिर से डालें, व्यक्तियों पर, समुदायों पर नहीं बल्कि सिस्टम पर बात करने की आदत फिर से डालें, और ये सवाल पूछें अपने आप से कि ऐसा क्यों है, और इस बात को याद करते हुए पूछें कि हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बिजनेस हाउस कंट्रोल करता है, अमेरिका के लगभग सारे मीडिया तंत्र को 5 या 6 कॉरपोरेशन कंट्रोल करती है, सारे मीडिया तंत्र अमेरिका के, यानी वो 5 या 6 बिजनेस हाउस कॉरपोरेशन तय कर लें और वो अमेरिका में कॉमन सेंस बन जाएगा, पॉपुलर ओपिनियन बन जाएगा। इसलिए वैलरस्टाइन की बात को याद करें कि सवाल सिस्टम का है, न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का। अभी मैंने एक किताब का जिक्र किया, द एंड ऑफ हिस्ट्री, 1992 में ये किताब छपी थी, इसके लेखक थे फ्रांसिस फुकुयामा, और उसमें उनकी थीसिस यही थी कि लिबरल डेमोक्रेसी, उनका मतलब था अमेरिकन मॉडल, यही इतिहास का अंत है, यही इतिहास का लक्ष्य है, अब सारी दुनिया को धीरे धीरे इसी रास्ते आना है। अभी 2 बरस पहले उनकी नई किताब छपी है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में, और उसके सिलसिले में इंटरव्यू देते हुए फुकुयामा ने कहा कि मैं गलत था, मेरे जैसे लोग गलत, रीगान और थैचर की इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत थी, उनके भयानक नतीजे हुए हैं, और ये फुकुयामा कह रहे हैं कि अगर समाजवाद का मतलब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेस है तो समाजवाद को वापस आना ही चाहिए, यानी समाजवाद का मतलब केवल तानाशाही नहीं है, समाजवाद का मतलब अगर तानाशाही है तो उससे दूर रहना है, समाजवाद का मतलब अगर अत्याचार और हिंसा है तो उससे दूर रहना यकीनन, लेकिन अगर समाजवाद का मतलब जो कि एसेंशियली है
आर्थिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण। तो फुकुयामा ये कह रहे हैं कि समाजवाद को वापस आना ही होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये और बात है कि इस समय कुछ लोगों को ज्यादा जरूरी ये लग रहा है कि लेनिन की तुलना नरेंद्र मोदी से की जाए। ये ठीक है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। मैंने जैसा कहा कि हर आदमी की अपनी प्राथमिकता होती है, तो उनकी ये प्राथमिकताएं बचे, मुझे क्या एहसास हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री की घोषणा करने वाले ये कह रहे हैं कि समाजवाद की वापसी अपरिहार्य। चलिए, फुकुयामा तो एकेडमिक हैं, एकेडमिक लोग तो गंभीर ढंग से बात करते हैं, उनकी पोजीशंस बदलती हैं, अपने ढंग से बदलती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि कोरोना के बाद बिग गवर्नमेंट की वापसी अवश्यंभावी है। एक मुहावरा चलता है, बिग गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट। रीगान साहब हुआ करते थे, वो कहते थे कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल, इसलिए लीस्ट गवर्नेंस इज द बेस्ट गवर्नेंस। हमारे यहाँ भी ये मुहावरा पिछले कुछ सालों में बहुत उछाला गया। कुछ लोग कहा करते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और उसी का एक्सटेंशन ये है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दी, सब प्राइवेटाइज। हेल्थ केयर एक नागरिक का अधिकार नहीं है, एक मानव अधिकार नहीं है। हेल्थ केयर एक कमोडिटी है जो आपको बाजार में खरीदनी पड़ेगी। सरकार अधिक से अधिक उस कमोडिटी को आपके लिए सब्सिडाइज कर देगी अगर आप गरीब हैं। वो जो 5 लाख का बीमा है आयुष्मान योजना, उसका सार यही। सरकार कोई नया अस्पताल नहीं बनाएगी, कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं बढ़ाएगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं बनाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खूब बनेंगी, अगर आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, वरना क्या कहते हैं उसको, स्किल डेवलपमेंट कीजिए और मस्त रहिए। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहना पड़ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा है मैंने उनका एडिटोरियल, कि बिग गवर्नमेंट की वापसी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि सबसे बड़ी चुनौती सोच विचार के तरीके को बदलना। मैंने अभी ओपिनियन मेकर्स की बात की, एक इतिहासकार हैं हम सब जानते हैं, युवाल नोवा हरारी, बहुत लोकप्रिय इतिहासकार हैं, बहुत सम्मानित इतिहासकार हैं, खासकर नौजवानों के बीच में। पिछले महीने फाइनेंशियल टाइम्स में उनका लेख छपा, अच्छा लेख था। उसमें उन्होंने सॉलिडरिटी की बात की, ठीक थी। उसमें उन्होंने अंडर द स्किन सर्विलेंस करेंगी सरकारें, इसकी चिंता प्रकट की, सही चिंता प्रकट की सॉलिडरिटी। मेरा सवाल ये कि किसके लिए सॉलिडरिटी, किसके पक्ष में, किसके विरुद्ध सॉलिडरिटी। बहुत दिलचस्प लगा वो लेख मुझे। उस पूरे लेख में कैपिटल, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वर्ल्ड सिस्टम, ये शब्द नहीं है। आप दुनिया के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं एज इफ न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, या उसने कोई समस्या ही नहीं पैदा की। हम जब आप कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप असल में उनको एग्जोनरेट कर रहे हैं जो वास्तव में जो कुछ नहीं करना चाहिए वो कर। पर्यावरण का डिग्रेडेशन हम नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण का डिग्रेडेशन वो लोग कर रहे हैं जो कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप साहब कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ फेक। अभी 3-2.5 महीने पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना इज अ होक्स क्रिएटेड बाय डेमोक्रेट्स, कुछ नहीं है कोरोना। हमारी भारत सरकार 12 या 13 मार्च को कह रही थी, WHO ने कोरोना को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, और हमारी सरकार के ऑफिशियल हैंडल ट्वीट कर रहे थे कि इट्स नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी। तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, सरकारें जिम्मेवार है, राजनेता जिम्मेवार है, कल्ट फिगर्स जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है इसके। इसलिए ये बातें करना, असल में जो सच में जिम्मेवार है उन्हें जिम्मेवारी से मुक्त करना है। बात अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए।
सक्षम सरकार का मतलब तानाशाह सरकार नहीं होता। सक्षम सरकार को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, और सरकारें तब अकाउंटेबल होती हैं जब पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करने वाले जो माध्यम हैं, चाहे वो एक जमाने में अखबार रहे हों और चाहे आज के जमाने में सर्वव्यापी टेलीविजन, वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। और वो जिम्मेवारी तभी निभाएंगे जबकि सिस्टम में स्ट्रक्चरल स्थितियां हों कि वो जिम्मेवारी निभाने पर विवश हो, जबकि सिस्टम इस बात को एंश्योर करे कि 6 कॉरपोरेशंस अमेरिका के पूरे मास मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि सिस्टम इस बात को एंश्योर करे कि एक बिजनेस हाउस हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा मास मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसका मतलब यह है कि आपको वापस जाना होगा उन चीजों की तरफ जहां मोनोपोली को एक समस्या मानते हुए उस पर काबू करने की कोशिशें की जाती थी। ये चीजें सब समस्याएं थी, इनमें निस्संदेह समस्याएं थी, लेकिन जो निहित स्वार्थ है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्होंने माहौल वो बना दिया, वो अंग्रेजी मुहावरे में जो कहते हैं कि गंदे पानी के साथ साथ बच्चे को भी फेंक दिया, थ्रोइंग अवे दी बेबी विद बाथ वाटर। मोनोपोली कमीशन में गड़बड़ है, मिक्स्ड इकोनॉमी में इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज बन रहा है, इंस्पेक्टर राज बन रहा है, ठीक है, उसको दूर कीजिए, उसको सुधारिए, लेकिन पूरा माहौल ये बनाया गया, सस्टेन कैंपेन के जरिए माहौल बनाया गया कि अकाउंटेबल एंड कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी दे आर द विलेन ऑफ द पीस। और आज इस तरह की बातें करना पिछड़ापन मान लिया। आपने टेलीविजन पर हजारों बार यह शब्द सुना होगा, टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स पेयर्स मनी, जैसे केवल इनकम टैक्स देने वाली टैक्स देती है। ये भुला दिया जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हर नागरिक को देना ही पड़ता है। भिखारी भी जब अपने भीख मांगे हुए पैसों से जाके दो रोटी खरीदता है तो वो टैक्स दे रहा हूं। लेकिन एक ऐसी दुनिया हमने रची है, एक हिंदुस्तान में ऐसी दुनिया रची है, खास करके हिंदुस्तान में, जो भयानक रूप से इनसेंसिटिव मिडिल क्लास, भयानक रूप से इनसेंसिटिव और कल्चरल अनएजुकेटेड मिडिल क्लास और उसकी प्राथमिकता। यानी ये बात सही है, सभी को मदद करनी चाहिए, हम सब लोग करते हैं, हर इंसान करता है, गरीब की, कमजोर की, लेकिन ये जिम्मेवारी है किसकी? लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, साधन नहीं है, तो जहां वो हैं, जिस नगर में, जिस शहर में हैं, वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ रह सकें, ये जिम्मेवारी है किसकी? आगरा हो या अहमदाबाद हो या इंदौर हो, मुंबई हो, किसी की जिम्मेवारी है या नहीं? इसलिए दोस्तों, बहुत बातें की जा सकती हैं, काफी देर तक ये चर्चाएं चल सकती हैं, लेकिन मैं अनंत के दोस्तों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहता हूं कि हम लोग परवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज पर सोचें। सबसे बड़ी समस्या, मेरी समस्या यही है, और कोरोना का एक महीने में हमें एहसानमंद होना चाहिए कि इस महामारी के कारण परवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज हमारी आंखों में जैसे वो लट्ठा डाल के अब दिखा रहा है। मैं कुछ चीजें फिर से चलते चलते आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। बड़े लोग अब तक महामारियों के शिकार नहीं होते थे, उन्हें बीमारी हो सकती थी, कंडीशन हो सकती थी, लाइफ स्टाइल कंडीशन होती है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या बीमारी हो सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन ये आप कल्पना कर सकते थे कि इंग्लैंड के युवराज जो हैं वो एक महामारी के शिकार हो जाएंगे और उनको उनका इलाज कराना पड़ेगा? उनके प्रधानमंत्री जी जो हैं
जॉनसन साहब, उनका तो बड़ा मतलब बड़ा सीधा फंडा था कि हर्ड इम्यूनिटी होने दीजिए, लाख दो लाख लोग मरेंगे, इम्यूनिटी फैल जाएगी देश में, किस्सा खत्म, हेल्थ सिस्टम वगैरह पर कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो पॉलिटिक जस्टिस जिसे कहते हैं, जनाब खुद आईसीयू में पहुंच गए, उसके बाद वो हर्ड इम्यूनिटी की बातें करना उन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति जी पहले ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई बीमारी है भी, कोरोना वायरस डिजीज नाम की कोई चीज़ होती भी है। उसके बाद वो पहले उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सूझी, उसके बाद तो उन्होंने कह दिया कि डेटॉल और लाइजल पी के भी काम चलाया जा सकता है। इन लोगों को हमने नेता माना। हमारे अपने देश का हाल मैंने आपको बताया, जनवरी से WHO चेतावनी दे रहा है, आप नमस्ते ट्रंप कर रहे, और आज आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अहमदाबाद में 8 लाख कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। चीन में जिस डॉक्टर ने चेतावनी दी उसको आपने ह्यूमिलिएट किया, उसको आपने एक्चुअली पनिश किया, और उसके मरने के बाद आप उससे माफी मांग रहे। ये चीन में हुआ। ये जो अथॉरिटेरियन सत्ताएं हैं, इनसेंसिटिव सरकारें हैं, और इनके आसपास जो एक कल्ट फिगर क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसा बस एक नेता है वो सब बचा लेगा, ऐसा नहीं होता है। जहां इस स्थिति को हैंडल किया जा सका है, वहां नेताओं ने चमत्कार नहीं किए हैं, वहां सिस्टम चला है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, सिस्टम चला है। जहां सिस्टम में दम थी, जहां सिस्टम में सेंसिटिविटी थी, और जहां नेतागण और पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करने वाले लोग इतने समझदार थे कि प्रवर्जन आप प्रायोरिटीज के बहुत से बच सके, वहां जिस तरह हैंडलिंग हुई है वो आप देख लीजिए, और बाकी जगह पे जो हाल है वो आप देख लीजिए। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, कि व्यवस्था तो अब बदलेगी, जो अथॉरिटेरियन मिजाज के लोग हैं वो अपनी कंट्रोल फैंटेसीज पूरी करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको कंट्रोल करने की, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है। हंगरी के राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो रूल बाय डिक्री कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी उस तरह की टेंडेंसीज दिख रही हैं, अमेरिका में भी दिख रही हैं। तो ये लाभ उठाने की कोशिश सत्ताएं करेंगी कि डेमोक्रेसी को ही खारिज कर दें, लेकिन सिस्टमिक रियलिटीज कुछ और है। सिस्टमिक रियलिटी ये है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार को माननी पड़ गई है, कि सार्वजनिक जीवन में सरकार की भूमिका को वापस आना पड़ेगा। अमेरिका में जो हालत कर दी गई है हेल्थ केयर की, जिसको एलिजाबेथ रोजेंथल ने एक किताब लिख के उसका नाम ही रखा एन अमेरिकन सिकनेस, नेक्सस में तब्दील कर दी गई है हेल्थ केयर, बड़े अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच एक नेक्सस बन गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल को मानना पड़ रहा है कि इससे बाहर निकलना, हर छठा अमेरिकन रोजगार खो बैठा है। कल्पना कीजिए, भारत की स्थिति मैंने आपके सामने अभी रखी, 12 करोड़ और 40 करोड़ गरीबी की मार में फिर से, ये भयानक स्थिति है। और बतौर नागरिक के हम लोगों को व्यवस्थित और संगठित प्रयत्न करने होंगे कि प्राथमिकताओं का विकृतीकरण दूर हो, परवर्जन आप प्रायोरिटीज से हमारा समाज बाहर निकले, सरकार सक्षम हो और जवाब दे। सरकार पर सवाल उठाने का मतलब एंटी नेशनल होना नहीं है,
मीडिया पर सवाल उठाने का मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का विरोधी होना नहीं होता है। किसी भी सभ्य समाज की तरह भारत में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टेलीविजन चैनल पर बैठकर गाली देने को नहीं कहते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब लाइसेंस टू इंसाइटमेंट नहीं हो सकता। और आदर्श स्थिति यह है कि इसके लिए कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्वयं की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन स्वयं की मर्यादा का हाल मैंने आपको बता दिया। मीडिया से उम्मीद की जाती है, यानी आप कल्पना कीजिए कि कोरोना क्राइसिस के दौरान एक चैनल पर चर्चा से यह था कि श्री तैमूर पॉटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कैन वी इमेजिन द एब्सर्डिटी। वो एंकर महोदय कह रही है कि आप तैमूर को दिखा दीजिए ताकि मेरा दिन बन जाए। तैमूर के पापा कहते हैं कि अच्छा मैं देखा के कहते हूँ पॉटी कर। एंड दिस इज अ नेशनल न्यूज के तैमूर साहब पॉटी कर। इसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं। ये मीडिया की प्रायोरिटीज, ये सरकार की प्रायोरिटीज है कि दुनिया भाड़ में जाए, अस्पताल बने या ना बने, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हो या ना हो, डॉक्टर प्रोटेक्शन किट के नाम पर प्लास्टिक की बरसाती पहनकर काम करें और हेलमेट लगा के काम करें, लेकिन हमारा महल तो बन के रहे। सेंट्रल विस्ता तो रीडिजाइन होकर रहेगा, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होकर रहेंगे, सन 2000 तक बन जाए, और जो इस पर सवाल उठाएगा वो एंटी नेशनल कहलाएगा। समकालीन भारत के सामने बुनियादी चुनौती, मैं इस बात को दोहराता हूँ, समकालीन भारत के सामने बुनियादी चुनौती है प्राथमिकताओं के विकृतीकरण से बाहर निकलने की, परवर्जन ऑफ प्रायोरिटीज से बाहर निकलने की। आप लोगों ने बहुत धीरज के साथ सुना मित्रों, बहुत आभारी हूँ आपका, और एक बार फिर से अनहद के दोस्तों का आभार कि इस तरह आपसे जुड़ने का और आपसे बात करने का मौका मिला। नमस्कार।